हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्ट इन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग WRX से प्रॉफिट कमा सकते हो। एक अच्छी रैली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है WRX में, ठीक है। तो WRX कॉइन जो है उसने आज थोड़ा सा पंप दिया है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 200 जो है इसका एक अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा, और 210 का जो लेवल है वो एक अगला इसका वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, जो अगला इसको तोड़ना है 210, ठीक है। पहला क्या हुआ, कल क्या हुआ था, एक हल्का सा पंप आया इसमें, 209 के पास प्राइस गया था। और मैंने आपको जैसे उससे पहले वीडियोज में बताता आ रहा हूँ कि 210 इसका एक अच्छा लेवल है रेजिस्टेंस का, जो देखना होगा हम लोगों को। अगर उसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा कर सकता है। 210 पहले टच किया, फिर ये गिरा नीचे, ठीक। लेकिन इस बार जो ये गिरा अपने पिछले लो से जो कि था 174 से ऊपर गिरा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हम हायर लो बना था। फिर इसके बाद इसने थोड़ा सा टाइम लिया, और उसके बाद जब इसके मूविंग एवरेज जैसे ही कोइंसाइड कर गई ये मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर भागा। अब ऊपर की ओर जब ये भागा तो यहाँ पे 219 को इसने टच किया, ठीक है। यही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, आपने देखा हो अगर गौर से, ठीक। 209 को टच किया और अभी 219 को टच करके आया। मैंने आपको जैसा कि आपको बताया 220 जो है इसका नेक्स्ट लेवल होने वाला है रेजिस्टेंस का। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि अगला रेजिस्टेंस 220 को ये टच करता है कि नहीं। तो वहाँ से ये नीचे बैक आया, अब इसने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया 200 के आसपास। तो 200 पे अगर ये टच करता है और 200 से नीचे आता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, और देखने वाली बात होगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगली एंट्री के लिए, और 190 के आसपास अगली एंट्री मिल सकती है। 190 के आसपास यहाँ पे WRX का कैसे चलता है, राउंड नंबर्स में चलता है सब कुछ, ठीक। 190, 200, 210 इस तरीके से चलता है। तो WRX में इस तरह से चलेगी चीज़ें। और कोई अपडेट चाहिए हो तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या पहले ही सबसे पहले कमेंट में लिंक दी गई होगी, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी कॉइन्स की। 4 कॉइन्स अब तक बताएं टेलीग्राम चैनल जब तक स्टार्ट हुआ है, 4 कॉइन बताएं, चारों ने मैक्सिमम 30-20% प्रॉफिट ला के यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट मैंने वहाँ पर रीफ बताया, रीफ ने 14% प्रॉफिट दिया है। एडा भी हाई है, और अपनी जहाँ पे हम लोगों ने बाय की कॉल दी थी उससे हाई है। तो वो सब आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिलता रहेगा। अब यहाँ पर WRX का क्या रहेगा कि 200 का इसने सपोर्ट बना दिया है, देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, या कैंडल क्लोज होने का डर है। अगर ये इससे नीचे गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन 200 के नीचे मुझे दिख नहीं रहा। अगर गिरी, पहले बता दे रहा हूँ, अगर 200 से नीचे गिरती है तो आपको पिक करना है 190 के आसपास, ठीक है। तो 192, 193 के आसपास आएगी प्राइस। अगर नहीं जाती है तो अच्छी बात होगी, बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि ये अगली रैली के लिए यहाँ पर बढ़ रहा है। देख रहे होगे आप लोग किस तरह से WRX ने अपने सारे यहाँ पर रेजिस्टेंस तोड़े। ये पिछला इसका रेजिस्टेंस था 190 का, उसको तोड़ा इसने, फिर यहाँ पर इसने तोड़ा 200 के रेजिस्टेंस को, ठीक। अब ये 200 को पिछले जो इसका रेजिस्टेंस था उसको ये सपोर्ट बना रहा है, देखा आपने गौर से। तो इस तरीके से अब यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर रुका हुआ है। अगर डोजे की वजह से मार्केट में कोई उछाल या डंप नहीं आता है तो हमें प्राइस अगला 220 के पास या 220 से ऊपर 229 के आसपास देखने को मिल सकता है, 219 के आसपास। ये मुझे ऐसा लग रहा है पैटर्न से, पिछले बता रहा हूँ मैं आपको, 229 के आसपास, 229 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब ये कब होगा, कुछ ही विद इन कपल ऑफ आवर्स हमें पता चल जाएगा। अगर ये नीचे गिरी तो आप श्योर रहिएगा पिक करने के लिए। आपको पिकिंग की स्ट्रैटेजी बता दूं क्या है, पिक कैसे करना है। मान लीजिए आपने जो मैं चीज़ बताता आ रहा हूँ शुरुआत से WRX में, वो क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, आपने मान लीजिए कॉइन लिया था 205 में एक, ठीक, एक कॉइन 205 में लिया था। अब आपने देखा कॉइन की वैल्यू गिर गई, तो थोड़ा एक और कॉइन ले ली, थोड़े कॉइन्स और ले ली, 199 में आपने एक कॉइन ले लिया, ठीक। अब आपने देखा वैल्यू और गिर गई, तो आपने एक कॉइन 173 में ले लिया जितना गिरा था। अब आप अगर इन तीनों का एवरेज निकालोगे ना, तो आप देखोगे आपकी प्राइस है 192, ठीक। आपकी प्राइस 192 पहुंच गई, नीचे चली गई, आपने अपना बाइंग प्राइस कम कर दी, 205 से लेके 192 कर दी। इस तरह से आप जब बाय करते जाते हो डिप में, जितना ज़्यादा बाय करोगे डिप में, और डिप में ज़्यादा बाय करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। इसीलिए कहते हैं 20% अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 का 200 रुपये
200 रुपये सबसे पहले टारगेट पे लगाइए, बाय करिए, और उसके बाद सेकंड टारगेट पे बाकी का 20% लगाइए, ठीक। उसके बाद लास्ट टारगेट पे 60% लगाइए, जो एकदम मज़ेदार वाला सपोर्ट हो, जैसे 173 था यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था 173 169 का सपोर्ट लाइन बताई थी, पर प्राइस उसको टच नहीं किया। 169 का जो करारा सपोर्ट था इसका, उसके आसपास मैंने सब कुछ आपको बता रखा था, पहली वीडियो से बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और WRX को आप अच्छा देख सकते हो। तो मिलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।